हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम का ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है। लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेने लगते हैं। आपको एलसीएम नहीं लेना है, आपको इन सब नंबर को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसका गुणा करने पर इतना ही आए। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं इस दो को। दो को हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 × 2। ठीक है, इतना आएगा। प्लस इसी तरह इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 × 3। डिफरेंट देखिए कितने का है, एक का। डिफरेंट कितने का है, एक का। इसी तरह ये सब टूट जाएंगे। ठीक है, और अब इसको तोड़ेंगे क्या होगा, 6 × 7। ठीक है, ये हो गया ये तोड़ने के बाद। अब इसको हम बेसिक फॉर्मूले से करेंगे तो डिफरेंट कितने का है, एक का। और पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पदों की संख्या कितनी है, 6। और पहली संख्या क्या है, 1 है। और अंतिम संख्या क्या है, 7 है। 1 × 7, 1 और 7। ठीक है, गुणा कर दीजिए। गुणा करने पे कितना आएगा, 6/7। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट 1/y में लिखते हैं। ठीक, तो 1 से 1 कट गया, कुछ मतलब नहीं है इसका। हो गया आंसर, हमारा आंसर क्या है, 6/7। इसी तरह एज इट इज ये क्वेश्चन भी है। यहाँ डॉट डॉट देखकर डरिएगा नहीं, आपको बस नंबर से किससे मतलब है, इससे और इससे। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को लिख देती हूँ। पदों की संख्या बटे पहली संख्या गुणे अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। आप लोग सोच रहे होंगे इसको कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, आप इसी तरह काउंट कर लीजिए। जैसे देखिए, यहाँ 3 × 4 हो गया, और यहाँ क्या होगा, 9 × 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, 42। यहाँ क्या आएगा, हमारा आएगा यहाँ पे 56। यहाँ क्या आएगा, 72। ठीक है, अब काउंट कर लीजिए कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना है, पदों की संख्या क्या है, 7। और पहली संख्या क्या है, 3। अंतिम संख्या क्या है, सॉरी यहाँ 10 रहेगा। ठीक है, अंतिम संख्या क्या है, 10। 3 × 10 कटने वाला नहीं है, तो एज इट इज हम लिख देंगे, 7/30, 7/30। ये हमारा क्या है, आंसर है। आइए हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लोग इसको क्या समझ लेते हैं, पॉइंट। बट आपको पॉइंट नहीं समझना है, इसको क्या समझना है, मल्टीप्लाई। क्या समझना है, मल्टीप्लाई। अब शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को पता है क्या है, पदों की संख्या बटे पहली संख्या इंटू अंतिम संख्या। पदों की संख्या क्या है यहाँ, 6। अंतिम पहली संख्या क्या है, 3। अंतिम संख्या क्या है, 15। ठीक है, ये 2 से 3 कट जा रहा है, 3 से 2 बार में कट जाएगा, 6। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 2/15। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम एज इट इज, वो भी ये भी क्वेश्चन उसी तरह है। पहली संख्या क्या है, पहले पदों की संख्या काउंट कर लीजिए कितनी है, 5। पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 17। आंसर कितना आया, 5/34। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जामों में बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है। तो आप लोगों को एक फार्मूला बता देती हूँ, बहुत बेसिक फार्मूला है, 1/4 लिख लीजिए। ठीक है, अब कोष्टक में क्या लिखिए, ये जो 4 है इसको ऊपर लिख लीजिए। ठीक, और बटे में क्या, इन दोनों को गुणे में लिख लीजिए, बटे में 5 × 6। और 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7। ठीक है, इसका 7 का गुणा क्या, ऊपर करेंगे ऐसे। ठीक, अब देखिए ये गुणे में है तो
इस चार से ये चार कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7/30, 5/30, ये हमारा क्या है, आंसर है। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी करेंगे, यहाँ पे लोग ये देख करके डर जाएंगे, बट आपको डरना नहीं है, आपको पेशेंस से काम करना है। देखिए क्या करना है, फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/4 लिख लिया हमने, 1/4 अब कोष्टक में। अब ये क्या है, ए, पहले क्या है, ए है, फिर उसके बाद ये संख्या है, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, ए ऊपर लिख लेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, a+1 a+2 हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, a+3, तो a+3 का गुणा हम कहाँ कर देंगे, ऊपर कर देंगे, ठीक है, a+3 आ गया हमारा आंसर। लिख लीजिए 1/4 ए स्क्वायर प्लस 3a/k a+1 एक कोष्टक में a+2। या तो इस टाइप से आंसर में देगा या तो इसी टाइप से दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों आंसर क्या है आप लोगों का, सॉरी ये रहा, दोनों आंसर क्या है आप लोगों का सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरह है, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और खुद से इस क्वेश्चन को लगाइएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आपको करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को देख करके, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बच्चे क्या होते हैं, बहुत कन्फ्यूज होते हैं। क्यों कन्फ्यूज होते हैं, देखिए ये क्या है, इनफाइनाइट दिया हुआ है, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क्स है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है बच्चों को कि जो इनफाइनाइट होता है और सिमिलर सेम नंबर दिया हुआ है, देखिए 12 है अंडर रूट 12 सब में 12 ही अंडर रूट में, ठीक है। तो इसका आंसर इनफाइनाइट जब लिखा होता है तो इसका आंसर वही नंबर हो जाता है जो नंबर क्या हुआ है दिया होता है हमको अंडर रूट में, बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क्स दे दिया है, ठीक है। जब यहाँ क्वेश्चन मार्क्स दे देता है तो आपको उससे मतलब नहीं होता है कि नंबर जो रिपीट कर रहा है और इनफाइनाइट तक है तो वही सेम नंबर, उसमें कुछ नहीं होता है, आपको इसमें कर्ड़ी काउंट करना होता है, कर्ड़ी, ठीक। आपको कर्ड़ी का मान मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया है, कर्ड़ी का मान होता है 1/2, क्या होता है कर्ड़ी का मान, 1/2। जब हमारा कर्ड़ी का मान 1/2 होता है, देखिए 1/2 होगा तो 2 के 2, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32, ठीक है। अब हम इस नंबर को लिख लेते हैं, इस नंबर को 30 लिख लिया और कितना आया 32, ठीक है, 32 यहाँ इसके घात में लिखेंगे। अब क्या 32 से एक कम करके उसके अंश में लिख देंगे 31, ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं, आप लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। लीजिए क्वेश्चन क्या है, 2 √2 √2 √2 √2 क्या है, क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को आप लोग करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यहाँ 3 है, ठीक है, रूट है बट रूट के पावर 3 है, ठीक। आप क्या होता है लोग क्या जो अभी मैंने बताया उसी तरह कर देंगे तो लोगों का आंसर क्या होगा, 81/2 के घाते 80/81, बट ये सरासर गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ये आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, फोर्थ टाइप क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ टाइप क्वेश्चन क्या है, एग्जामों में बहुत बार रिपीट होता है और इसका आप सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं, ए इनफाइनाइट तक दिया है, ठीक है, कहाँ तक दिया, इनफाइनाइट तक। अब इसको ऐसे दो भागों में बांटिए जिसमें 2 का डिफरेंट हो, ठीक है, इसको गुणा करने पे 63 आए और डिफरेंट कितने का है, 2 का, तो बताइए 7 और 9 डिफरेंट कितने का है, 2 का, ठीक है, डिफरेंट 2 का है, 7 और 2 9, ठीक है, 2 का डिफरेंट है। और यहाँ क्या दिया है, प्लस, प्लस दिया हुआ है, प्लस, ठीक है, अगर प्लस में होता है तो आंसर क्या होता है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। और जब माइनस में दिया होता है, ये यहाँ माइनस रहता तो क्या होता, छोटी संख्या आंसर में होता, छोटी संख्या। तुम्हारी बड़ी संख्या क्या है, 9,
तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है? बी। आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में पहला क्वेश्चन सेम उसी तरह है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। जो अभी मैंने दो डिफरेंट वाला नंबर में तोड़ा, जैसे 7, 9, 63 होता है, इसी तरह इसको तोड़ दिया 7, 9, 63। और क्या बताया था, जब माइनस रहता है तो आंसर क्या होता है? छोटी वाली संख्या। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। आइए इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को आप लोग करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इन कमेंट, ठीक है। ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।